रिपब्लिका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही अच्छी खबर है कि बिहार गवर्नमेंट लगातार रोजगार पर ध्यान दे रही है। जो 10 लाख जॉब की बातें कही गई थी उसको विभिन्न माध्यमों से पूरा करने का कोशिश किया जा रहा है। सातवें चरण की टीचर की बहाली की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। टीचर की बहाली के लिए तो बीएड चाहिए, लेकिन जो लोग बीएड नहीं हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छी खबर है कि लंबे समय से विश्वविद्यालयों में बिहार में जो विभिन्न विश्वविद्यालय है उसमें तृतीय स्तर की बहुत सारे पद खाली हैं, क्योंकि लंबे समय से बहाली नहीं हुई है। उसमें लाइब्रेरियन का पोस्ट है, असिस्टेंट का पोस्ट है, लेबोरेटरी स्टाफ का पोस्ट है, ये सारे पोस्ट खाली हैं। तो इनकी बहाली की प्रक्रिया गवर्नमेंट बिहार सरकार आरंभ करने जा रही है। आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही सुनहरा मौका है। आज 26 अप्रैल के न्यूज़पेपर में चीजें सामने दिख रहा है। तो इसमें वस्तुतः हुआ ऐसा कि जो शिक्षा विभाग है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने विभिन्न कुल सचिवों की जो मीटिंग बुलाई उसमें यह निर्देश दिया गया कि आपके यहाँ जो विश्वविद्यालय में विभिन्न तृतीय स्तर का जो पोस्ट है खाली है, जिसमें अलग अलग पोस्ट हैं, क्लर्क का, अपर लोअर, लाइब्रेरियन का, लेबोरेटरी स्टाफ का, तो उसकी जानकारी आप दीजिए और शिक्षा विभाग के पोर्टल पर आप उसको अपलोड कीजिए, ताकि रोस्टर के अकॉर्डिंगली ताकि बहाली की प्रक्रिया को आरंभ किया जाए। तो ऐसा अब विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया जा चुका है, इसलिए जल्द ही वो अपनी वैकेंसी जो पद खाली है वो अपलोड करेंगे और फिर शिक्षा विभाग उसके अकॉर्डिंगली, उस रोस्टर के अकॉर्डिंगली बिहार जो एसएससी है, कर्मचारी चयन आयोग, उसको रिकमेंडेशन भेजेगी। हाँ, यह बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लिया जाएगा। पोस्ट क्या क्या है इसको हम लोग देखें, तो पोस्ट में आप देखें कि निम्न वर्गीय लिपिक है, उच्च वर्गीय लिपिक है, सहायक असिस्टेंट का पोस्ट है, लेबोरेटरी का स्टाफ का पोस्ट है, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष का पोस्ट है। तो काफी अच्छा पोस्ट है और विश्वविद्यालय का जो जॉब होता है, विश्वविद्यालय या कॉलेज का जो जॉब होता है वह काफी अच्छा होता है। चाहे लाइब्रेरियन हो, लाइब्रेरियन के पोस्ट के लिए जो लोग बीलिप्स एमलिप्स किए हुए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। और लिपिक वर्ग के लिए तो सब लोग एलिजिबल होंगे, तो आप लोग सतर्क हो जाएं, आप लोग अलर्ट हो जाएं, तैयारी मोड में आ जाएं और 2023-24 जो आने वाला है उसमें कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन, आप अपना हर एक हालत में कहीं ना कहीं अपने लिए एक सीट को मैनेज करना है। इसमें रिपब्लिका आपको हर एक स्तर पर सहयोग करेगी, चाहे स्टडी मटेरियल के रूप में हो, क्लासेस के रूप में हो, एक बार नोटिफिकेशन का आ जाता है कि क्या सिलेबस होगा, तो हर एक स्तर पर आपको यहाँ से मटेरियल से लेकर के क्लास, टेस्ट सीरीज आदि में आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, फिर अगले वीडियो के साथ हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।